विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मंगलवार को फिर विवादित बयान दिया। यूपी की कानून व्यवस्था के खिलाफ आयोजित धरने में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय समर्थकों को संबोधित करते हुए हसन ने कहा कि सांसद एक धार्मिक जमावड़े की जगह जैसी दिखने लगी है। सपा सांसद ने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। सपा सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी लोगों को निशाना बना रही है, वह किसी को भी पकड़कर 2 सालों के लिए जेल में डाल देती है। सपा सांसद ने अमरोहा में दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में हुई गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि संदिग्ध एवं आतंकी गतिविधियों के आरोपों पर जांच एजेंसी ने यहां से कई युवकों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि ये सब मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। हसन ने आजम खान का बचाव करते हुए कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते खान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सपा सांसद पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। संसद में 3 तलाक विधेयक पेश किए जाने के बाद हसन ने कहा कि मुस्लिम महिला का पति यदि जेल चला गया तो परिवार की देखभाल भला कौन करेगा। सांसद ने कहा था कि घर आने पर यदि कोई अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख ले तो उसे गुस्सा आ जाएगा, उस गुस्से में अपनी पत्नी को मार डालने या जला देने से तो अच्छा है कि 3 तलाक देकर उसे रुखसत कर दे। इतिहास में आज तक किसी के साथ नहीं हुई। वो ईमानदार नेता जिसकी ईमानदारी की लोग कसमें खाया करते हैं, आज उस पर वो इल्जाम लगाए गए जो शायद एक आम आदमी के ऊपर भी नहीं लगाया जा सकता। ये जुर्म आखिर क्यों हुआ? कहता शर्म से झुक गया। पार्लियामेंट के अंदर हालात ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये पार्लियामेंट नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत नहीं, बल्कि कोई धार्मिक जलसे में मैं हाजिर हूँ। कभी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे हालात नहीं हुए जो आज के दौर में है। अचानक कानून जिससे लोगों को दुश्मनियां पैदा होंगी, एक कानून बना है जिसके अंदर एनआईए के इंस्पेक्टर को ये ताकत दे दी गई है कि अगर उसको किसी पे शक हो जाए सिर्फ तो वो उसको जेल में बंद कर सकता है और वो आतंकवादी घोषित कर सकता है। 2 साल तक उसकी कोई दाद फरियाद नहीं होगी, उसकी सारी जायदाद दुकान मकान सब जब्त हो जाएंगे। मैंने कहा पार्लियामेंट में अमित शाह जी से कि अगर कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला किसी ट्रेन में किसी गाड़ी के डिब्बे में चढ़ रहा है, उसके ऊपर कार के पुर्जे हैं और एनआईए के इंस्पेक्टर को शक हो जाए कि ये इसके पास रॉकेट लॉन्चर है तो वो तो जेल में चला गया। अमरोहा में यही हुआ है। अमरोहा के अंदर जैक और जैक के उठाने वाला सामान था जिसको रॉकेट लॉन्चर समझ के उसको बंद कर दिया गया। ऐसे सरकार चलती है? ऐसे कभी हालात हुए इस देश के? मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, धारा 370 खत्म करने से तुम्हें क्या मिल गया? कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा, कल भी हमारा रहेगा, लेकिन धारा 370 खत्म कर दी गई किस लिए? क्या मैसेज देना चाहते हो? कैसे मुसलमानों की दिल आजादी तुम्हें मंजूर है, उसके अलावा तुम्हें कोई और काम नहीं? 3 तलाक से क्या मिल गया? ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम शरीयत के अंदर भी दखल दे सकते हैं। 3 तलाक आज भी हो रही है, किसने रोक दिया? आप लोगों की आज जरूरत इस बात की है कि अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, अपनी पुरानी तहजीब को बचाने के लिए, गंदा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए बच्चे बच्चे को खड़ा होना पड़ेगा, वरना आगे आने वाले वक्तों में हालात हमें अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।